हेलो स्टूडेंट्स, आज हम री की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे। री की मात्रा व्यंजन के नीचे की तरफ लगाई जाती है, जैसा कि आप सभी इस पेज पर देख भी रहे होंगे। देखिए, ये है री और ये है इसकी मात्रा। री और ये है री की मात्रा। री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे की तरफ लगी होती है। चलिए अब हम री की मात्रा के शब्दों को पढ़ते हैं। पहला व्यंजन क्या है? घ। घ के नीचे देखो लगी री की मात्रा, तो ये क्या बना? घृत। तो घृत, घृत, तो घृत। मृ, तो मृत। नृप, नृप। मृग, मृग। तृण, तृण। दृग, दृग। मृदा, मृदा। कृपा, कृपा। रि चा, रीचा। पितृ, पितृ। अमृत, अमृत। ऋषभ, ऋषभ। कृतज्ञ, कृतज्ञ। कृपाल, कृपाल। कृपाण, कृपाण। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबको भी ऐसे ही री की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।